फिर ये प्रोजेक्ट हमको 5x से 10x भी प्रॉफिट दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं समझूंगा मैं। अगर $4-5 के आसपास भी पहुंच जाए 2022 के अंदर तो मैं कोई बड़ी बात नहीं समझूंगा। हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैंने नज़र बना के रखी थी और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है और मैं रेकमेंड करूँगा कि हम उसको अभी एक्यूमुलेट करेंगे और कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर उस कॉइन को देखा जाए तो बहुत अच्छे गेंस हमें दे सकता है। बहुत ही ज़्यादा रियल यूज़ केस है और आप लोगों को सब मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में कि क्या उसका यूज़ केस है, कहाँ कहाँ वो अवेलेबल है और किस तरीके से आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना और सीधा ले जाकर आपको दिखाता हूँ सीधा कॉइन के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉइन का नाम यहाँ पर है पावर लेजर। अगर आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा तो आप लोगों को आज सारी चीज़ें इसके बारे में पता लग जाएगी पावर लेजर और इनका रियल यूज़ कैसा है। एक्चुअली पावर लेजर का काम क्या है? पावर लेजर का काम ये है कि बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं, हम लोग इंडिया में भी रहते हैं, इंडिया में भी आप लोगों ने बहुत ऐसे एरिया देखे होंगे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को और ऊपर से सप्लाई पहुँचाने में भी वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। और अगर सप्लाई पहुँचाई भी जाती है तो वो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है क्योंकि बीच में एक मिडल मैन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताऊँ, जैसे कि इंडिया में अलग अलग जगहों पर रहते हो, कहीं पर आपका यमुना बोर्ड है, कहीं पर रिलायंस की है इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर टाटा की है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा होता है एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली पहुंचाने में या फिर प्लांट्स लगाने में। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पावर लेजर जो है मार्केट में आया है और इनका काम यह है कि ये मिडल मैन को बीच में से रिमूव कर देते हैं और ऐसी ऐसी जगह पर बिजली पहुंचाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे, एनर्जी पहुंचाएंगे जहां पर बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या बहुत सारे ऐसे जो एरियाज हैं रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना, एनर्जी पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बहुत ही रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, हालांकि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इनका कॉइन भी है, बट एक रियल वर्ल्ड इनका यूज़ केस भी है और किस तरीके से हम लोगों का इसका फ़ायदा उठाना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले टोकोनॉमिक्स और सप्लाई वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मार्केट कैप अभी $319 मिलियन की है। मार्केट कैप ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा लो है, बट ठीक है, बट इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल के हिसाब से बहुत लो मार्केट कैप है ये। और टोटल मार्केट कैप, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप आप देख सकते हैं 687 मिलियन है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में 60% के आसपास डाउन है और अभी मुझे ऐसा लगता है मार्केट में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। और ये प्रोजेक्ट भी दूसरे प्रोजेक्ट की तरह पॉपुलर होता हुआ दिखेगा, जो प्रोजेक्ट हमने देखे होंगे जो रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो SSP हो, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्रिप्टो कार्ड वो बनाते हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल के लिए चेन लिंक को हम लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, तो उसी तरीके से एक ये भी प्रोजेक्ट है और ये आने वाले टाइम पे अच्छा गेन हम सबको दे सकता है। तो आप लोगों को इसको मतलब किस तरीके से एक्यूमुलेट करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 460 मिलियन डॉलर्स की इसकी जो है सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनका जो नेटिव टोकन है उसका नाम है पावर, पावर ही नाम है, POWR, और मेक श्योर आप ऑथेंटिक जगह से ही खरीदें। तो ये सारी चीज़ें टोकोनॉमिक्स और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम प्राइस की थोड़ी डिस्कशन के बारे में बात कर लेते हैं और प्राइस की डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसका वाइट पेपर, मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है। वाइट पेपर में वही सारी चीज़ें हैं कि ये किस तरीके से जो ब्लॉकचेन के थ्रू और बीच में जो मिडल मैन है उसको रिमूव करके पूरे रूरल एरियाज में और ऐसी जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पहुँचाना बहुत मुश्किल है वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। और मतलब स्पेशली जो डेवलपमेंट के जहाँ पर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उन सब सेक्टर्स में ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने पूरे वाइट पेपर में बताई है। 28 पेज का वाइट पेपर है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग, इनका क्या प्लान है। और रोड मैप भी बहुत अच्छा आने वाले टाइम पर, नए नए प्रोजेक्ट के साथ इनकी कोलैबोरेशन भी होने वाली है, वो सब इनके ट्विटर पर आप लोगों को पता लग जाएगा जाके। तो वो सब ना बताते हुए मैं आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं प्राइस जो है 67 सेंट के आसपास चल रहे हैं, 69 सेंट के आसपास चल रहे हैं। और अगर ऑल टाइम हाई मैं इसका आप लोगों को दिखा दूं तो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर 73 सेंट के आसपास, अभी ऑल टाइम हाई लगा कर आया है। और अभी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर नीचे आके आप देखोगे तो करीब ऑल टाइम हाई $2 का है, सॉरी वो था 2018 में, और दो उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई से 65% के आसपास नीचे है। तो आप अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसमें पोटेंशियल है कि दोबारा इसको भी क्रॉस करने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
तो अभी आपको किस तरीके से इसको एक्यूमुलेट करना है, मैं ये कहूंगा कि आप इसमें अभी मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लग रही है, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं इसको। और इसमें कम से कम एक दो से तीन पार्ट्स में एंट्री लीजिए। अभी यहाँ पर एंट्री लीजिए, उसके बाद अगर 20 से 30% का करेक्शन आ जाता है ओवर द टाइम या इन 1 मंथ और 2, तो आप लोगों को वहां पर एंट्री लेनी है। कम से कम एक दो पार्ट्स में एंट्री ले सकते हैं इसमें, और उसके बाद इसको आपको होल्ड करना है थोड़े से टाइम के लिए। एकदम से इसकी मार्केट में हाइप बनने वाली है, और फिर ये प्रोजेक्ट हमको 5x से 10x भी प्रॉफिट दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं समझूंगा मैं। अगर $4-5 के आसपास भी पहुंच जाए 2022 के अंदर, तो मैं कोई बड़ी बात नहीं समझूंगा अगर 10x भी रिटर्न ये दे दे, क्योंकि प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड यूज केस है। आप लोगों को और हम लोगों को समझना ये है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन जो है वो हमेशा ऐसे ही रहता है, कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता उसमें एकदम डंप आ जाएगा या बहुत ज्यादा पंप हो जाएगा। स्लोली ग्रेजुअली मार्केट के हिसाब से वो पंप होते हैं, तो ये उन कॉइन्स में से एक है। और अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि किस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है, तो नीचे थोड़ा सा आके आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग आके देखेंगे तो बाइनेंस पे सबसे पहले अवेलेबल है, तो एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं बाइनेंस पे अवेलेबल नहीं होते, तो बाइनेंस में आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। यूएसडीटी टीएस बीएसडी में भी अभी अवेलेबल हुआ है एक दो दिन पहले ही, और यूनिस्वाप पर भी है। आप लोग इसको एक्सचेंज, मतलब अगर किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करना चाहते हैं तो यूनिस्वाप इज देयर। एंड लास्ट जो एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो बिटथम पे भी ये अवेलेबल है। तो ये सारे एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर आप लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मैं इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, और ये हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होने जा रहा है, और इसके अपडेट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं देता रहूँगा कि इसने क्या रिटर्न दिया, कितना रिटर्न दिया, हम लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ भी या नहीं, या मार्केट में इसकी क्या हाइप चल रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स ये लोग लेकर आने वाले हैं, सारी अपडेट्स वहाँ पर देता रहूँगा। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। और अगर ऐसे ही और कॉइन्स और प्रोजेक्ट्स आप लोग जानना चाहते हैं जो मैं आप लोगों के सामने ला के रखूँ, उनका थोड़ा ओवरव्यू दूँ, आप लोगों को समझाऊँ उसके बारे में, तो मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। ये प्रोजेक्ट्स मुझे, मैं किसी ने बताया नहीं था, बट ये कॉइन मार्केट कैप पे ही मुझे मिला था। मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था उस टाइम पे, तो मुझे इस पे मतलब इसके बारे में स्टडी करने के बाद लगा कि नहीं, ये कुछ ऐसा है जो मुझे अपने ऑडियंस को बताना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ मैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर कर अपने ओपिनियन सजेशंस मुझे बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और स्टेकिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियो आ रही है, आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा चैनल। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।